एक बात और सज्जनों बताएं, भगवान से किसी ने पूछा कि हम ज्ञानी हैं ये भक्त हैं, आपको कौन प्रिय है? हम ज्ञानी हैं ये भक्त हैं, आपको प्रिय कौन है? परमात्मा बोले सुनो, ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। ज्ञानी बड़े खुश हो गए कि जय हो। भक्त से बोले, ले ओ, तुम बड़े सीताराम सीताराम करते थे, परमात्मा की हम आत्मा है। भक्त को बड़ा बुरा लगा। भगवान बोले, बुरा मत मानो। बोले, क्यों? बोले, ज्ञानी तो हमारी आत्मा है लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी अगर आत्मा है तो भक्त हमारा परमात्मा है। और भक्त का मतलब जो परमात्मा से अटूट प्रेम करे। हम लोग प्रेम तो करते हैं पर दिखावा वाला, मौसम की तरह। मौसम की तरह क्या? सावन आएगा, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले। सावन गायब, तो जैसे कीड़ा बरसात के गायब हो जाते हैं वैसे ही सावन के भक्त गायब हो जाते, ढूंढने से भी नहीं मिलते। हम लोग मौसम की तरह प्रेम करते हैं। भक्त श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत खोई। क्यों? ना जाने इस श्वास का आवन हो ये ना हो। श्वास श्वास सिमरन करना चाहिए। हम लोग श्वास श्वास सिमरन नहीं करते, हम लोग स्वार्थ स्वार्थ सिमरन करते। एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा और बताओ क्या हाल है? बोले, हाल तो बेहाल है, बस भगवान बदल रहे। हम कहा दो गई, ठीक है। बाद में पता लगा वो गुजराती थे। बुरा मत मानना, कल तक और हमें रहना है। बस परसों दरबार करके हम। एक आदमी से किसी ने कहा, क्या बात है, टेंशन में क्यों? बोले, बहुत गरीब है, परेशान है, धन की तंगी है, कोई उपाय बताओ धन मिले। बोले, लक्ष्मी माता की पूजा करो। डेढ़ दो महीना उसने लक्ष्मी माता की, ओम जय लक्ष्मी माता हमको कुछ नहीं आता, पूजा की, वंदना की, लेकिन पूजा करने से कुछ नहीं हुआ। दूसरे महात्मा मिले, महाराज बहुत हैरान है, पैसा नहीं आ रहा है। किसकी पूजा करते हो? लक्ष्मी जी की। अरे भाई, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो नारायण जी की भी तो करो, पति के बिना पत्नी अधूरी है। हाँ महाराज, उपाय सही है। नारायण जी को ले आए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण भगवान की पूजा की, देखा कुछ नहीं हुआ। तीसरे महात्मा मिले, क्या उपाय करें धन मिले? कुबेर की करो, वो कुबेर भगवान धन के देवता, बहुत अच्छा उपाय। माने नारायण भगवान को लिया, ऊपर धर दिया, तुम तो काम के हो ही नहीं। अब तो कुबेर भगवान को मोटे वाले पेट वाले भगवान ले आए, लगे कुबेर भगवान की पूजा करने। डेढ़ दो साल पूजा करी, कोई कल्याण नहीं हुआ, अब परेशान। फिर एक महात्मा बोले, क्या करें महाराज, धन नहीं आ रहा है, पूजा किसकी करें? बोले, किसकी कर रहे हैं? बोले, कुबेर की। अरे बोले, कुबेर की क्या करना, शंकर जी की करो, वो भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते। फिर क्या, कुबेर भगवान को ऊपर टांग दिए। अब तो ओ हर हर भोले, हर हर नमः शिवाय, सुबह शाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभूतन धर्म के तंबू, हर हर महादेव, एक बाल्टी और ले ओ। जल चढ़ाने लगे, अब शेक करने लगे। डेढ़ दो साल हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर दिमाग खराब। फिर एक महात्मा मिले, महाराज पैसा नहीं आ रहा, लक्ष्मी नहीं आ रही, खूब पूजा कर ली, अब कौन से भगवान की पूजा करें? अरे बोले भाई, किसकी कर रहे? शंकर जी की। अरे बोले भाई, शंकर जी से कल्याण नहीं होना है, तुम्हें पूजा करनी ही है तो माता की पूजा करो, दुर्गा माता की, वो कलियुग में प्रत्यक्ष, हनुमान जी की पूजा करो। दुर्गा माता हनुमान जी को ले आए, शंकर जी को ऊपर टांग दिया। एक दिन अगरबत्ती लगा रहा था, भगवान प्रसन्न, आज तक भय नहीं, अगरबत्ती का धुआं ऊपर जा रहा तो स्वभाव बस अगरबत्ती का धुआं, सामान हवा ना चले तो ऊपर ही जाता। अच्छा, अगरबत्ती जलती जरूर है लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, जलती हुई अगरबत्ती बहुत अच्छा संदेशा देती है, वो जल करके भी ऊपर जाती है। अगरबत्ती जल करके भी अपने आप को भस्मीभूत करते हुए भी वो ऊपर की रास्ता नहीं भूलती है। यही सिद्धांत है कि हमको भी संसार में ना भी जलो, संकटों से अगर जल रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी दृष्टि हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। अगरबत्ती का धुआं ऊपर जा रहा था, व्यक्ति ने गौर से देखा, बोले हैं यही तो गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़? एक व्यक्ति बोला क्या गड़बड़? बोले वाह, सब भगवान है ऊपर, ऊपर है नारायण भगवान, अगरबत्ती हम नीचे लगाते वो ऊपर का ऊपर खींच लेते, प्रसाद हम नीचे लगाते वो ऊपर से ही पा लेते,
क्या उपाय किया जाए? बोले धुआं इनके पास रहते ही नहीं है, माता के पास, हनुमान जी के पास, पूरा ऊपर खींच लेते हैं सुगंध। रुई ली, नाक में लगाने लगे, नाक बंद हो जाएगी, क्या खींचेंगे, हलुआ। रुई के गोला बनाए, नाक में जैसे ही लगाने लगे, परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया, नारायण भगवान, बस भैया नाक बंद करके ही मानोगे क्या? आदमी चौंक गया, बोले इतनी पूजा की आज तक प्रकट नहीं भाई, रुई लगाने से प्रकट हो, क्या बात, क्या रुई लगाने से आप खुश होते हो? भगवान बोले रुई लगाने से हम प्रसन्न नहीं हुए, पहले तो मैं ये था कि हम धन के देवता हैं, हम धन देंगे, एक मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आज तो मैं ये आभास हो गया कि मूर्ति में परमात्मा है, वो ऊपर बैठकर पा रहा, इसलिए हम प्रकट हो गए। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, इस बात का आशय ये है, किसके भूखे हैं? परमात्मा को पाना है तो कैसे पाया जा सकता? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची प्रेम सदा। तो परमात्मा प्रेम देख करके प्रकट होते हैं, और प्रेम कैसा, मौसम की। अच्छा एक और, हम लोग संसार में लगाते हैं दिल, भगवान के सामने लगाते हैं अकल। हाँ, एक आदमी आया रोता, हमारा तो दिल ही टूट गया, बहुत परेशान है, दिल टूट गया। अरे भाई तुमसे कहा किसने था कि दिल लगाओ? दिल टूट गया, लगा कहा किसने था कि तुम दिल लगाओ? अब दिल लगाओगे तो टूटेगा। अच्छा किसने तोड़ दिया? घर वालों ने, जिनके लिए मर गए उन्होंने आज हमारा दिल तोड़ दिया। होता ही ऐसा है, एक आदमी की आंखें खराब हो गई, आंखें, और बापू जी पेट खराब हो गई, आंख भी खराब और पेट भी खराब। डॉक्टर के पास गया, हमारी आंखें खराब हैं, पेट खराब है, कोई उपाय बताओ। डॉक्टर बोले कोई दिक्कत नहीं, ये चूरन लो, पेट का चूरन है, पेट में खाना ठीक हो जाओ। ये अंजन लो, आंखों का अंजन है, आंखों में लगाना, आंखें ठीक हो जाएं। दोनों पुड़िया ली, जेब में डाली, घर आया, लेकिन किस्मत की बात पुड़िया बदल गई, आंखों का अंजन चूरन समझ के खा गया, पेट का चूरन आंखों में लगा गया। हादसा ये हुआ कि जो दिखाई दे रहा था बेबी फूट गई, और पेट जो थोड़ा मोड़ा पचा भी रहा था एकदम फैल, रेसिंग चालू, दिमाग खराब, लोटा लिए ही डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर बोला क्या हुआ, गंध आ रही है? अरे बोले दवा दोगे तो यही होगा, ये तुम्हारी दवा का कमाल है कि जो थोड़ा मोड़ा ठीक ही थे अब बर्बाद हो गए, दिखाई देना भी कम पड़ गया पेट का। बोले भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, दवा तो ठीक है, आज तक हमने हजारों रोगियों को ठीक किया, एक बात बताओ पुड़िया दिखाओ, कौन सी पुड़िया खाई? बोले ये देखो ये पेट में खाई, पेट के लिए। अरे बोले ये आंखों का अंजन था, इसे लगाना था उसे खा लिया, और जिसे खाना था उसे लगा लिया, हाल वही हुआ। और हम लोगों को भी परमात्मा ने दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग। दिल दिया संसार में, दिल दिया परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए, दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए, हमने उल्टा कर दिया। दिमाग भगवान के दर पर लगाते हैं, दिल दुनिया वालों के साथ लगाते हैं, इसीलिए परेशान है, इसीलिए क्या है, परेशान है। हमारी प्रार्थना है दिमाग लगाओ संसार में, दिल लगाओ परमात्मा के चरणों में।